जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। मेरी लास्ट वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का जर्नी। आज हम जा रहे हैं और माड़ा से कराची की तरफ, और ये ट्रेवल हम कर रहे हैं वाया मकरान कोस्टल हाईवे, इसको N10 भी कहते हैं। और यहाँ से कराची वापस जाते हुए हमारा जो मेन स्टॉप ओवर होगा वो हिंगलाज माता मंदिर होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स थे उनको हमने कराची से और माड़ा आते हुए यस्टरडे, मतलब लास्ट डे में विज़िट कर लिया था, और वो मेरे प्रीवियस व्लॉग में मेंशन भी हैं। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं मकरान कोस्टल हाईवे के बारे में कुछ हिस्ट्री, तो वो यूँ है कि ये बनना स्टार्ट हुई थी 2002 में एंड इट एंड्स अराउंड 2004। और इसको बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि जो हमारा कंट्री है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोग बेहतर करें, इसके अलावा हमारे मुल्क की इकॉनमी को बूस्ट मिले, एंड मोर ओवर ये कि टूरिज़म जो है वो बढ़े और लोगों को इतनी खूबसूरत जगहों तक, जो कि जहाँ पे अब हम लोग आए हुए हैं, ये हम इस रोड की वजह से ही आए हैं, यहाँ तक एक्सेस मिल सके और लोग सेफली जो है वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकें। इसके अलावा इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 653 किलोमीटर्स, और अराउंड आपको 5-5.5 घंटे जो हैं, अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं, कोई ट्रैफिक आपको इशू नहीं है, कोई और इशू नहीं है, तो आप 5-5.5 घंटे में कराची से और माड़ा पहुँच जाते हैं। ये स्टार्ट हो रही है सिंध कराची से, और ये एंड होती है N10 जो है वो गवादर बलूचिस्तान में। ये पसनी और उर्माड़ा से होती हुई गुजर रही है। नेक्स्ट हम जिस पॉइंट से गुजरने लगे हैं ये बुजी टॉप है, और ये पूरे रास्ते का शायद सबसे खूबसूरत और मेस्मराइजिंग व्यू था जो हमने यहाँ पे देखा था। ये है डेजर्ट माउंटेन रेंज है बेसिकली, जो कि समंदर और सॉइल इरोजन, ये डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर की वजह से ना नेचुरली इस तरह के यहाँ पे स्कल्पचर्स और माउंटेंस बन गए हुए हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंजेस इसमें आते जा रहे हैं और डिफरेंट आपको चीज़ें नज़र आती हैं। इवन यहाँ से गुजरते हुए आपको प्रिंसेस ऑफ होप नज़र आएगा, ये इस तरह से ये कि माउंटेंस के दरमियान में एक प्रिंसेस खड़ी है और उसने रोब पहना हुआ है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे स्फिंक्स है, लाइन ऑफ बलूचिस्तान जिसको कहते हैं, इसकी शेर की तरह की स्ट्रक्चर भी है, शक्ल भी है, और बॉडी भी बिल्कुल वैसे ही है। बीच है, यहाँ से भी हम गुजरे थे, इसे गोल्डन बीच भी कहते हैं, ये इंतहाई साफ़ सुथरी है बिल्कुल, लेकिन ये कि यहाँ पे रेस्ट एरियाज कोई नहीं है आपके पास। इसके अलावा मड वॉल्केनोज भी थे यहाँ पे रास्ते में आते हुए, जब हम हिंगलाज माता मंदिर जा रहे थे तो ये भी नेचुरल हैं और ये एक्टिव मड वॉल्केनोज हैं। और यहाँ पे हम अब पहुँच गए अपने फ़ाइनल स्टॉप पे, जो कि है फाइनल स्टॉप तो नहीं, कराची जाते हुए जो हमने मेन जगह पे जहाँ पे स्टॉप ओवर करना था वो था हिंगलाज माता मंदिर। अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये हिंदुओं की सेकेंड प्लेस है, और ये सीक्वेंस चल रहा है, वो पहले वहाँ से मड वॉल्केनोस से होते हुए यहाँ पे आ रहे होते हैं, और यहाँ पे इनका एक टेंपल या जिसको हम मंदिर कहते हैं वो बना हुआ है एक स्मॉल से केव के अंदर, और ये काफ़ी हज़ारों साल पुराना है, ये भी मैन मेड नहीं है, नेचुरली रॉक्स के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पर इन लोगों ने अपना टेम्पल बनाया हुआ है। हिस्टोरिकली काफ़ी फेमस और काफ़ी देखने के लायक जगह थी, यहाँ पे इबादत करते हैं ये लोग।
इसके अलावा एनुअली यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से जो है ना हिंदूज आते हैं और अपनी इबादत करते हैं, अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, डेली बेसिस पे भी आ रहे होते हैं। यहाँ पे मोस्टली ये कि पैदल चल के आते हैं, पहले वो मड वॉल्केनो जाते हैं, वहाँ पे अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, कोकोनट्स वगैरह लेके जाते हैं और जो भी उनकी रिलीजन की चल रही होती चीज़ें। उसके बाद वहाँ से पैदल चलते हुए यहाँ पे एक हिंगलाज रिवर भी आता है इन बिटवीन। मड वॉल्केनो जो है वहाँ से लाइव मड निकल रही होती है, उसको वो मुँह पे भी लगाते हैं और डिफरेंट बॉडी पे भी लगाते हैं। उसके बाद हिंगलाज जो रिवर है वहाँ पे वो रिचुअल बाथ लेते हैं अपना, और उसके बाद वहाँ से चलते चलते काफ़ी खासा डिस्टेंस है वहाँ से, फिर यहाँ पे हिंगलाज माता मंदिर आते हैं और यहाँ पे जो है ना अपनी इबादत करते हैं। ये अहाता है जिसको आप सहन भी कहते हैं, जहाँ से गुजर के आप फर्दर ऊपर जा रहे होते हैं। ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुओं की काफ़ी खास जगह है। यहाँ पे हम लोग देख ले रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे सारा। इसके आसपास वैसे ही हिंदू कम्युनिटी आबाद भी बहुत ज्यादा है। ये लसपेला का इलाका है बलूचिस्तान में, जहाँ पे ये बना हुआ है। और ये उरमाड़ा जहाँ से हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था, वहाँ से अराउंड 1 hour 40 minutes की ड्राइव थी। मीनवाइल जब हम यहाँ पे देख रहे थे और इनसे पूछ रहे थे इनके इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो हिंदू भी आए थे और वो इबादत कर रहे हैं अपनी और रूटीन उनकी चल रही थी। एनुअली यहाँ पे अराउंड 25,000 से भी ज़्यादा हिंदू जो है ना वो आ रहे होते हैं। उनका इवेंट होता है 3 days का जो कि कंटिन्यू रहता है, और लास्ट डे जो होता है वो मेन इवेंट होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 days यहीं पे स्पेंड करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लास्ट डे पे आ रहे होते हैं, अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो इसके बाद हम लोगों ने फिर वापसी का प्लान बनाया, और ये अगेन आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पॉन्जी रॉक्स हैं यहाँ पे, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराने हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 1 year स्कर्दू में रहे हैं, और वहाँ पे हमें लगता था कि वहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं और ये पाकिस्तान की शायद खूबसूरत तरीन जगह है। लेकिन जब हम इस जगह पर हमने बलूचिस्तान का विज़िट किए, तो हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू एक दफ़ा दोबारा चेंज हो गया। अब हम वापस कराची की तरफ जा रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं लैंडस्केप अगेन चेंज हो गए, अब प्लेन एरिया स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बैरननेस वाली फीलिंग है, वेजिटेशन बहुत अच्छी नहीं थी, ग्रास थी वो भी थोड़ी ड्राई सी। लेकिन ये कि यहाँ से उस साइड पे हमें समंदर नज़र आ रहा था। जर्नी हमारा बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव और बहुत ही मेमोरेबल रहा है। Thank you so much for watching my vlog. Please don't forget to subscribe my channel and comment below. Thank you.